छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीट खाली है जिस पर दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि राज्यसभा उम्मीदवार राजीव शुक्ला ने विधानसभा में नामांकन दाखिल किए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ विकास की अधिक संभावना है, यहाँ लोग बहुत बुद्धिमान है। वही मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ी जनता की समस्याएं उसको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और सरकार से इन मुद्दों पर मिलकर केंद्र सरकार के पास पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की समस्या को बहुत तरीके से कम किया है, अब छत्तीसगढ़ में विकास की बहुत जरूरत है। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ की सरकार की रही है, जो नक्सलवाद की समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त किया है। अब उन क्षेत्रों के और विकास की जरूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए पैसा अतिरिक्त मदद आती थी, अब वो मदद उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, जो विधानसभा के हमारे विधायकगण हैं, हम लोग सब बैठ के चर्चा करेंगे। अभी मुझे बताना तो मेरे लिए लगता है कि ये बहुत छोटापन होगा। मुख्यमंत्री साहब हैं यहाँ पे, तमाम लीडरान हैं, हम लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे। इंचार्ज हमारे पूनिया साहब हैं, और जो भी मुद्दे यहाँ पे छत्तीसगढ़ वासियों को जो लगता है कि वो मेजर इशू है, जो वो कहेंगे उसकी जिम्मेदारी हम लोग बखूबी लेंगे।